हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 करेंगे मोशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मोशन कोई भी चीज, अगर हम मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो गति में है, यानी के जो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करती है। जब कभी भी कोई भी चीज टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करती है तो इट मींस कि वो मोशन में है। अब हमने अपने डे टू डे लाइफ में या अपने आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है। जैसे एग्जाम्पल है, बर्ड्स को हमने फ्लाई करते हुए देखा है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है, यानी कि उनकी मेन पोजिशन चेंज हो गई। मेन पोजीशन का मतलब कि वो जिस पोजीशन पे पहले थी अब वो दूसरे पोजीशन पे चले गए। उसके अलावा अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर होता है या ब्लड फ्लो होता है थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, तो ये भी क्या है, मोशन का एक एग्जांपल है। उसके अलावा जो बहुत बेसिक एग्जांपल है, सब देखते हैं, उसमें आता है कार या किसी भी व्हीकल का मूव होना, यानी कि वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज हुए। अगर हम शॉर्ट में मोशन को डिफाइन करें तो इट मींस ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, यानी कि जब कभी भी मोशन में अगर स्पीड के साथ में टाइम चेंज होता है या ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज करता है तो इट मींस कि वो मोशन में है। और इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे उसके नोट्स आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की, तो वो हमारे पास दो ही पोजीशन होती है, या तो कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। रेस्ट या फिर स्टेशनरी, ये दोनों वर्ड सेम ही होते हैं। इनका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में या उस चीज में किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट ना होना। जब रेस्ट पे होगा तो इसका एग्जाम्पल है, पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए। जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो इट मींस अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब है कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की पॉइंट सॉरी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो इट मींस वो रेस्ट पे है। और मोशन का मतलब होता है कि जब पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। अब इन दोनों चीजों को हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दो डायग्राम्स बना रखे हैं। मेरी ड्रॉइंग बहुत ज्यादा खराब है तो प्लीज आप उस पर मत फोकस करेगा, सिर्फ चीज को समझिए। इसमें एग्जाम्पल में आपको एक ट्री दिखाई दे रहा है और एक कार दिखाई दे रही है। अब इसमें सबसे पहला मैंने बोला था रेस्ट। अब रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ट्री कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा जब तक आप इसको यहां से उखाड़ नहीं देते। तो ऑब्वियसली अगर मैं मूवमेंट की बात करूंगी तो कार की ही मूवमेंट की बात करूंगी। तो जब ट्री और कार के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, यानी कि कार भी अपनी जगह पे रुकी हुई है और ट्री तो ऑब्वियसली फिक्स पोजिशन पे होगा ही होगा, जब इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो इट मींस कि ये पोजीशन इन दोनों की रेस्ट है, यानी कि कार किस में है, रेस्ट पे है या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा जब जैसे अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है और कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि ये कार यहां से मूव करते कि यहां पहुंच जाती है, यानी कि ये आगे या पीछे हो रही है, यानी कि इसमें अगर पोजीशन के साथ में डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इट मींस कि इसकी पोजीशन चेंज हुई, यानी कि कार की मूवमेंट हुई, इट मींस कि इसमें मोशन हुआ, तो इसे कहते हैं मोशन। इसका मतलब यह है कि दोनों में अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो मींस कार रेस्ट पे है, और अगर डिस्टेंस चेंज होता है या गैप बढ़ता है तो इट मींस कार मोशन में है। सो अब मोशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर अ पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। अब जब हम मोशन की बात करते हैं तो नॉट नेसेसरी कि मोशन हम सबके लिए हर वक्त सेम ही हो। कुछ एग्जांपल्स या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमें लगता है कि हम मोशन में हैं लेकिन सामने वाला इंसान रेस्ट पे है, और या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम रेस्ट पे होते हैं और हमें दूसरी चीज मूव करती हुई दिखाई देती है। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर कोई पर्सन मूविंग बस में, इसका मतलब कि अगर कोई बस चल रही है और उसमें अगर आप बैठे हुए हैं तो आप विंडो से बाहर की साइड देखेंगे तो आपको ट्रीज अपीयर होते हैं चलते हुए, ऐसा लगता है कि वो
वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं या पीछे की साइड। सेम ऐसा एग्जांपल आपने सन या मून का देखा होगा कि आप कार में या बस में किसी चीज में ट्रेवल कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि मून या सन की भी मूवमेंट अपने आप धीरे 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 आपकी कार की स्पीड के साथ चेंज हो रही है। तो ये एग्जांपल था कि जब आप अंदर थे और आपने देखा कि आप रेस्ट पे हैं लेकिन बाहर वाली चीजें चल रही है। ऐसे ही इसका वाइस वर्सा है, अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम रेस्ट पे होते हैं और हमें आसपास की चीजें मूवमेंट में दिखती हैं और दूसरे सिचुएशन में और चीजें हमें मूवमेंट में नहीं दिखती बल्कि हमें खुद ही लगता है कि हम लोग मूवमेंट में और बाकी सब रेस्ट पे हैं। इसका एग्जांपल भी आप बस से ही ले लीजिए। बस में ऐसा लगता है कई बार कि हम ही चल रहे हैं अगर आप खड़े हैं और जितने भी बैठे हुए पैसेंजर हैं तो ऐसा लगेगा कि वो लोग बैठे हुए हैं। तो ये मोशन और रेस्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन एक छोटी टर्म नहीं है, बहुत सारे मोशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधे पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एकदम स्ट्रेट लाइन में जब आता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। या तो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में हो सकता है या फिर सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में इट मीन्स कि आपका गोल गोल जैसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी चीज का घूमना, दैट इज सर्कुलर पाथ। और उसके अलावा कुछ रोटेट होते हैं या फिर कुछ वाइब्रेट होते हैं। रोटेशन का मतलब जैसे व्हीकल है उसका टायर या साइकिल या किसी भी चीज का टायर गोल गोल घूमता जाता है उसको रोटेशन कहते हैं। और उसके अलावा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में क्या होता है जैसे कि अगर आपका फोन वाइब्रेट मोड पे है तो वो धीरे धीरे अपनी पोजिशन को चेंज कर लेता है या अपने प्लेस को चेंज कर लेता है। या फिर एग्जाम्पल हम लेते हैं पेंडुलम का, पेंडुलम या फिर कोई भी स्ट्रिंग से आपने किसी स्टोन या पत्थर को बांधा है और आप उसको ऐसे ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है या फिर रोटेशन और वाइब्रेशन में भी हो सकता है। तो जब हम मोशन पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास मोशन के 3 टाइप्स आते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली मोशन हम जब पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन जब हम टाइप्स में पढ़ते हैं मोशन की तो हमारे पास 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, या इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी हम कह सकते हैं कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। सेकेंड मोशन इज सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन यानी कि सर्कुलर फॉर्म में, इट मीन्स कि ऐसा कुछ सर्कल बनाते हुए कोई चीज मूव कर रही है या रोटेट कर रही है। नेक्स्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के पास पूरी फ्रीडम है, वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। इसका एग्जाम्पल पेंडुलम है या फिर किसी स्ट्रिंग से आपने स्टोन को टाई अप किया हुआ है। तो इन दोनों सिचुएशंस में वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा, इट मीन्स कि जहां से उसने स्टार्ट किया होता है। तो अब जो ये 3 मोशंस मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें जो सेकेंड और थर्ड है, सर्कुलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ये हमारा 9th का टॉपिक नहीं है। हम 9th में सिर्फ लीनियर मोशन को डिस्कस करते हैं। तो लीनियर मोशन वही हो गया जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करने से पहले हमारे पास एक वर्ड आएगा, बहुत बार हम आगे बहुत सी क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं जो हमने 8th में नहीं पढ़ी होती है, उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर ये वर्ड हम मैथ्स में भी सुनते हैं, लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब जैसे फीलिंग्स या इमोशंस की बात करते हैं या किसी के लिए हम क्या फील करते हैं, ये सारी चीजें हम मेजर नहीं कर सकते और ना ही ऐसा कोई डिवाइस आया है कि इसको मेजर किया जा सके, तो इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं डालेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज होती हैं जैसे लेंथ हो गया, मास, फोर्स, स्पीड, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज में डालेंगे। जब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम दोनों को डिस्कस करेंगे। इस पे आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, या फिर आपको ये सेपरेट सेपरेट डिफाइन करना भी आ सकता है। तो ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप नोट्स में लिख लीजिएगा। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी।
जब कभी भी स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो इट मीन्स उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नॉट डायरेक्शन। दो चीजों से आप इनको कंपेयर करेंगे, एक मैग्नीट्यूड से एंड एक डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिस चीज में या ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट में वैल्यू आती है। वैल्यू का मतलब जैसे अगर हम मास की बात करें या वेट की बात करें तो हम 30 kg बोलते हैं। तो जो 30 आया ना वर्ड आपके पास, 30 एक नंबर या न्यूमेरिकल फॉर्म में, इसे हम वैल्यू बोलते हैं, इट मीन्स की मैग्नीट्यूड। और अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो उसमें हमारे पास अगर सोचे तो 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। लेकिन अगर हम और ज्यादा सोचे तो हमारे पास इन 4 के अलावा भी डायरेक्शन होती हैं, जिसे हम अपवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट भी बोल सकते हैं। यूजुअली हम लोग लेफ्ट और राइट वर्ड का यूज करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ये बहुत रेयरली यूज करते हैं। तो जब स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड इट मीन्स कि आपके पास एक नंबर होगा या फिर एक वैल्यू होगी, उसके अलावा आपको इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, स्पीड जब हम किसी व्हीकल की स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड कम या ज्यादा करनी है, तो हम नंबर बोलते हैं जो व्हीकल के ऑडोमीटर पे शो होता है। व्हीकल का एक ऑडोमीटर होता है या स्पीडोमीटर उसको कहते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये इस स्पीड से चल रहा है। तो उस टाइम पे हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते। और सेम विद डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम किलोमीटर्स या मीटर में मेजर करेंगे, लेकिन कभी भी उसे डायरेक्शन के साथ मेजर नहीं करते। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी में ही आता है जैसे स्केलर क्वांटिटी आता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी कि दोनों चीजें। मैग्नीट्यूड इट मीन्स की वैल्यू या नंबर भी होता है और इसकी डायरेक्शन की भी हम बात करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। अब इसका एग्जाम्पल है, सपोज आपको किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उसको उठा के लिफ्ट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखेंगे, और या फिर आप उसको ड्रैग करते हुए यानी कि पुश करके या धक्का मार के घसीटते हुए उस चीज को दूसरी साइड रखेंगे। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हैवी वेट में होती हैं, आप उनको उठाकर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, तो हम उसको ड्रैग करते हैं यानी कि खींचते हैं या घसीटते हैं या पुश करते हैं। तो जब हम पुश करेंगे तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्शन आती है, यानी कि जिस साइड स्पेस होगा या हमें जिस जगह पे उसको रखना होगा हम उस साइड पे पुश करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन बढ़ आता है। तो ये कुछ एग्जांपल थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के, और इन्हीं को जो स्केलर और वेक्टर में डिवाइड है इन्हें ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी का एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारी हाइट, क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए हाइट भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब जो हमारा जो चैप्टर है मोशन, इस चैप्टर में हम जो फिजिकल क्वांटिटीज को कवर अप करने वाले हैं वो ये हैं। हमारे पास टोटल 5 क्वांटिटीज हैं, टोटल 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम मोशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज स्पीड, फोर्थ इज वेलोसिटी, नंबर 5 इज एक्सेलरेशन। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इन फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा जो हमारा जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम मोशन में पढ़ेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद ग्राफ्स और इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपकी 3 इक्वेशंस आएंगी और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस टॉपिक का। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।